हिनावट एडवेंचर मिसमराइजिंग लैंडस्केप इवेंट में एक प्रतिभागी की तौर पर मैं नागेश हंकारे कोल्हापुर महाराष्ट्र से। सबसे पहले इस मिसमराइजिंग लैंडस्केप इवेंट के लिए आपने मुझे काबिल समझा, इसलिए हिनावट मैम और उनकी पूरी टीम का सही दिल से शुक्रिया अदा करता। हिनावट एडवेंचर का पिछले साल से चित्रकला और चित्रकारों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिनावट एडवेंचर काफी सारे नवोदित चित्रकारों को प्रमोट करता है। पिछले साल से लॉकडाउन के समय चित्रकारों का हौसला बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। चित्र कार्यशाला, चित्र प्रदर्शनी और चित्र प्रतियोगिता को लेकर बहुत सारा काम हो रहा है और ये काम बहुत ही प्रशंसनीय है। लैंडस्केप इवेंट का मैं एक प्रतिभागी हूँ। पिछले 20 सालों से पेंटिंग क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर 50 के ऊपर मेरे एग्जीबिशन हो चुके हैं। काफी सारे आर्ट कैंप में मेरा सहभाग रहा है। प्रकृति ही चित्रकारों का मार्गदर्शक होती है। चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो तो प्रकृति देती है, इसलिए प्रकृति को गुरु मानकर नेचर ऑफ ब्यूटी इस विषय पर कुछ क्रिएटिव लैंडस्केप बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लैंडस्केप पेंटिंग के वजह से मैंने ऑल इंडिया के काफी जगह का सफर किया है। 2012 में जब पेंटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश की कुल्लू और मनाली का सफर किया, वहां के बड़े बड़े पहाड़, उनमें से खिलते हुए बहने वाली नदियां, पेड़ों के अतुलनीय दृश्य, बड़े बड़े पहाड़ों में से अपना रास्ता निकालते हुए बादल और चंद घंटों में बदलने वाला मौसम, छोटे छोटे गांव में बने हुए लकड़ी और पत्थर के मकान, उनके विशिष्ट रचनाओं के कारण काफी खूबसूरती और सौंदर्य के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियों में भी उनका अधिक महत्व रहा है। पुराने घरों से निकली हुई खूबसूरती, वहां के लोगों का जीवन, वहां की संस्कृति मन को बहलाती है। ये सभी देखकर प्रफुल्लित होकर पिछले 10 साल से नेचर ऑफ ब्यूटी इन हिमालय इस विषय पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल लेकर रहा हूं। प्रकृति ही चित्रकारों का सबसे करीब मित्र है और मार्गदर्शक भी है। उनका चित्रण करते हुए प्रकृति के नैसर्गिक स्तर और अंगों का चित्र बनाना निसर्ग चित्र ऐसा एक शब्द रूप से अनुमान हम लगा सकते हैं। पर इसी अंगों के दृश्य मन के पटल पर प्रतिबिंबित होकर कैनवास पर जब परावर्तित होते हैं तो उसे ही निसर्ग चित्र कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरे लैंडस्केप में जिस घटकों का मैंने इस्तेमाल किया है वह तो बहुत ही अर्थपूर्ण है। जैसे कि चित्रों में मकान भी है और नीचे जल भी है। मकान में से उनका कष्टप्राय जीवन दिखाने की पूरी तरह से मैंने कोशिश की है। तो वहां के लोग सच्चे मन के और बहुत ही दयालु होते हैं। उनका प्रतिबिंब उनकी संस्कृति में परावर्तित होता है। इसलिए जल नितल और शांत है, उसी में जीवन के हर घटकों का प्रतिबिंब दिखता है। चित्र में कुछ सूखे हुए पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। उनके जीवन के कठिनाइयों के साथ जो भी थोड़ी बहुत खुशियां मिलती है उसे में अपना सुख मानते हैं। इसलिए इसी पेड़ों के ऊपर बहुत सारे फूल मैंने दिखाए हैं।
जल में कुछ खंभे इसलिए हैं कि कुछ हम भी है जो कि जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए डट के खड़े रहे हैं। चित्र के अट्रैक्शन पॉइंट पर मैंने सफेद रंगों का इस्तेमाल किया है जो कि मेरे चित्रों की एक पहचान बन गई है। सफेद रंगों के प्रकाश को देखकर अगले कुछ दिनों में ही सही अपने जीवन में नई रोशनी आएगी, इस विचार को लेकर मैंने ये दो पेंटिंग हिना भट्ट आर्ट वेंचर मेस्मराइजिंग लैंडस्केप इवेंट के लिए बनाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरे दो पेंटिंग सभी को प्रेरित करेगी। हिना भट्ट आर्ट वेंचर मेस्मराइजिंग लैंडस्केप इवेंट में सभी सहभागी कलाकारों को सही दिन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। Thank you.